आओ जी जल्दी आके खाओ जी। आ जाओ। तुम दोनों ने अपनी स्कूल की तैयारी कर ली? हाँ भैया। चलो आज बहुत देर हो गई है, जल्दी जल्दी 5 मिनट में खाना और उसके बाद गाना। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। निकली है गोविंद, तो इसमें हवा भरवा दे। हुँ? अच्छा भैया।
पप्पी। अच्छा मैं चलती हूँ। ये देखो, सुना है तुम्हारे मियाँ का सौतेला भाई है, एक और भी है, इनको पहले दिन से ही अपने काबू में रखना, वरना ये बच्चे तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे और फिर सारी जिंदगी इनके बोझ के तले दबे रहना पड़ेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ये तो यहीं सो गया। राजा इसे यहीं सोने देते हैं। आज मेरी पहली रात, मेरी सुहाग रात, मेरी जिंदगी की आज शुरुआत है। इनके सौतेले भाई ने आज मेरे पलंग पर कब्जा कर लिया, कल मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा, मेरे हक पर कब्जा कर लेगा। अरे तुम दोनों ही रो रहे हो। अरे तुम तो मेरे बहादुर शेर हो, और फिर मैं तो सिर्फ 2 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ इम्तिहान देने के लिए, उसके बाद मैं वकील बनूंगा, बहुत बड़ा वकील, खूब पैसे कमाऊंगा। तुम चाहते हो ना अपने राजा की टांग ठीक हो जाए, मैं इसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा और फिर इसे खूब पढ़ाकर डॉक्टर ही बनाऊंगा। चलो देर हो रही है, चुप रहो। मैं अपनी अमानत तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, ख्याल रखना है इनका, तुम इनकी भाभी भी हो और मां भी, सब कुछ तुम ही हो। बस तुमसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं मैं कि जब मैं वापस आऊं तो ये दोनों मुझे हंसते खेलते मिले। भाभी भाभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो जाओ ना, हमारा नाश्ता और टिफिन तो दो। देख नहीं रहे, बन रहा है, मेरे 2 ही हाथ है, 4 नहीं। भाभी हमें देरी हो रही है। तो मैं क्या करूँ, ये कच्चा है, कच्चा खाना है तो खा लो। अच्छा भाभी हम जाते हैं, दोपहर को हमारा खाना स्कूल में भिजवा देना। चल भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, भाभी ने खाना नहीं भेजा, आ रहा होगा। ये खाएगा? हाँ ले, सारी ले ले, तुम नहीं खाओगे? खाना। अब मुझे इस घर में क्या खुशी मिलेगी दी, बस जितनी कट जाए उतना ही अच्छा है। क्यों, ऐसा भी क्या दुख है? एक हो तो बताऊं दीदी। अरे हाँ, वो रामदेई कह रही थी कि हरी अपने भाइयों पे जान छिड़कता है। वो इनके भाई नहीं, मेरी सौतने हैं। अरे नहीं, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं।
तू उठा सकेगा? जी हाँ। ठीक है। चले चल भाई, ले बेटे ले आ, इधर ले आ सामान। शाबाश कमाल के। ये लो सलाम। चलो भाई। आठ आने का ये देना। हाँ देता हूँ। मैं कहता हूँ फेंक दे इसे। देख राजा, कभी मांगे हुए खाने को हाथ नहीं लगाना। जब तक मैं हूँ तुझे सारी जिंदगी बिठा कर खिलाऊंगा। ले। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। क्या तुम दोनों अकेले हो? हाँ। क्या मेरे साथ चलोगे? नहीं नहीं, आप मुझे नौकरी दिलवाओगे? नौकरी? हाँ मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा। चलो मेरे साथ। शाबाश शाबाश। चलो बेटा। बस 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 बस। हाँ ये लीजिए साहब। राजा गोविंद, आओ जी आओ जी, जल्दी आके खाओ जी। आप आ गए? राजा और गोविंद कहाँ हैं? राजा और गोविंद वो तो घर। चुप क्यों हो? दोनों घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए? लेकिन क्यों? क्या हुआ? मैंने तो तुमसे कहा था ना, जब मैं वापस लौटूं तो वो दोनों मुझे हंसते हुए मिलने चाहिए। तुमने उन दोनों को रोका क्यों नहीं? मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने वाली? तुम कौन होती हो? सीमा, बाबा पांच पैसे दे दो। बाबा बाबा पांच पैसे दे दो। बाबा भगवान के, पांच पैसे दे दो। बाबा भगवान के। अरे मांगो बेटा मांगो, तुम नहीं कमाओगे तो हम लोगों का पेट कैसे भरेगा? अबे अबे ओ लौंडे भाग गए। इन बच्चों को क्यों मारते हो? इन बच्चों को बचा लो चाचा, ये लोग हमसे भीख मंगवाना चाहते हैं। चाचा हमें बचा लो। तू घबरा मत बेटा घबरा मत, छोड़ दो इन बच्चों को। अबे कौन लग गया है तू इनका? मैं इनका चाचा। अबे जा तेरे चाचा की तो। Thank you.
मार डालोगे क्या? जाओ तुम जाओ, अपना अपना काम करो। बच्चों कहाँ से आए हो? हम बहुत दूर से आए हैं चाचा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारा कोई नहीं, हम दोनों अकेले हैं। चाचा मुझे काम मिलेगा? अरे तू इतनी सी उम्र में काम करेगा? हाँ मैं खूब काम करूँगा और अपने राजा भैया को एक दिन इसके पैरों पे खड़ा करूँगा। अच्छा शाबाश शाबाश, आओ मेरे साथ आओ आओ आओ। ये है मेरा घर। अरे फरीदा अब्बा। अनवर ये अब्बा। ये है मेरी बेटी फरीदा और वो मेरा बेटा अनवर। देखो भाई आज से दोनों यही रहेंगे। अब्बा जान ये दोनों तो इतने भूखे लग रहे हैं कि अभी चकराकर गिर पड़ेंगे। ऐसा नहीं कहते, जान के लिए खाना लेके आ। नहीं नहीं चाचा ऐसे नहीं, पहले मैं काम करूंगा, दो पैसे कमाऊंगा तब खाऊंगा। अगर बिना पैसे दिए खाऊंगा तो दुनिया पर बोझ कहलाऊंगा। मुझे बोझ उठाना मंजूर है पर बोझ बनना नहीं। वाह रे मेरे खुददार बेटे वाह। चाचा क्या ये लो। अरे वाह यार। अब ड्रामे कैसे शुरू करें? अरे रिहर्सल कैसे शुरू करेंगे? मंजू तो अभी आई ही नहीं। हीरोइन का रोल कौन करेगा? आप करेंगे। हाँ, गया। आपसे नाजुक यहाँ और दूसरा कौन है? चलो शुरू हो जाओ। प्रीतम तुम्हारे प्यार में मैं अपनी जान दे दूंगी, तुम्हारी राहों में अपनी आंखें बिछा दूंगी, मोहब्बत में रंग भरने के लिए अपना खून बहा दूंगी। मैं तुम्हारी हूँ प्रीतम, सिर्फ तुम्हारी, हमेशा तुम्हारी रहूंगी। क्या बात है, क्या एंट्री है भाई। प्रियतम जी। हाँ जी मैं आपके लिए अपनी जान दे अबे चुप, जान दे दूंगी पहले। अरे मंजू तू यहाँ है और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। अरे भाई जहाँ मजनू होगा उसकी लैला भी वही होगी। लैला जी प्रिंसिपल साहब खड़ी खड़ी पूछ रहे हैं सबको कास्ट भेज दिया या नहीं। तू भेज देना अनीता, क्या तकलीफ है तुझे। अरे वाह जनरल सेक्रेटरी तू है और मैं भेज चुका, चल साइन कर दे कास्ट। अरे अरे हाँ राजा तुम्हें कितने कार्ड चाहिए? कार्ड? मुझे कार्ड की क्या जरूरत है? अपने भाई को नहीं बुलाओगे? मेरा भाई हिंदुस्तान में रहता ही कहाँ है, सारी दुनिया में उसका बिजनेस फैला हुआ है, कभी जर्मनी कभी जापान कभी फ्रांस कभी इंग्लैंड, जिस दिन हमारा प्रोग्राम है उस दिन वो अमेरिका में होगा, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने उसे चाय पर बुलाया। मेरे भाई का बिजनेस किस चीज का है? हर चीज का है, लंदन के 10 होटलों में आधा पार्टनर है, पेट्रोल के कुएं हैं, सोने की खाने हैं और पानी के जहाज हैं, पर वो अपने लिए हवाई जहाज भी खरीद रहा है। वो क्या है कि बिजनेस के सिलसिले में एक दूसरे मुल्क तो जाना ही पड़ता है, कौन बार बार टिकट खरीदे, एयरपोर्ट पर इंतजार करे, घर में हवाई जहाज होगा जब जी चाह उड़ गए। सुन तू राजा के भाई को एक कार्ड भेज दे। लेकिन वो तो मना कर रहा है। तू भेज तो सही, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ? अगर हवाई जहाज घर में रखोगे तो उड़ाओगे कहाँ से? घर के मैदान से।
हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, उसे एरोड्रम बना लेंगे। कमाल है, आजकल तुम्हारा भाई है कहाँ? अरे इधर है भाई, गाड़ी के नीचे। अरे छोटू उस्ताद, मेरे को घर जाना है यार, एक जू का भाड़ा है, लेके जाता है। अरे किधर से लेके जाएगा भाई, अपना तो बुकिंग हुआ हुआ, देखो ग्राहक अंदर बैठा है। अरे ड्राइवर चलो नहीं, गाड़ी है के खटारा है। क्या रे, क्या बोला तुम? इसको खटारा बोलता है? अबे आँख का कचरा साफ कर, बराबर दिखाई नहीं देता तेरे को। इसको खटारा बोलता है, घर जाके बीवी को चाची बोलेगा? अरे खटारा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, 15 मिनट हो गया तो चालू नहीं होता है। करता है ना करता है। क्या करता है? अरे आज ऐसा क्यों कर रही है? अरे चल बसंती, काय को इज्जत का फलूदा निकाल रही है। स्टार्ट हो जा, काय को रिकॉर्ड खराब करती मेरी बहन। स्टार्ट हो जा मेरी माँ। क्या बोल रहे हो बसंत? कसम से ए बालक, तुम लोग कुछ उल्टा सीधा माल लेके तो गाड़ी में नहीं बैठा? नहीं नहीं, उल्टा सीधा माल कैसा? ए चरस गांजा स्मगलिंग का माल, मेरी बसंती लाल सिग्नल दिखा रही है। हम लोग शरीफ आदमी हैं, ऐसा धंधा नहीं करते। तो क्या मेरी गाड़ी झूठ बोल रही है? अरे क्या बात करते हो, गाड़ी भी कभी बोलती है? मेरी गाड़ी बोलती है। ये थैले में क्या है? गुड़ है। गुड़ ला दिखा। अरे गुड़ है, इसमें दिखाए क्या? अरे दिखाओ ना। अरे दिखा। मगर तुम्हें क्या हक है देखने का? अच्छा तो ये है गड़बड़। अफीम पहचान लेती, समझे? साला खटारा बोलता। माफ करना बसंती, हाँ मखा तेरे पे भड़क गया मैं। हाँ अब क्या है, तेरी जैसी अकल तो मेरे को है नहीं। केला ये कड़क कड़क दागीला केला। अरे जगन, या मेरा नाम तो पुकार है, कौन भाई? अबे मैं हूँ। ये तोबड़ा क्यों उतरा हुआ तेरा? ये चाटू उस्ताद, हमारा तोबड़ा चढ़ा हुआ कब था? हमारा जिंदगी में एक ही चीज चढ़ा हुआ, उधार या बुकार। अब क्या हो गया? हम तो जिंदगी से तंग, ये गवर्नमेंट क्या करता मेरा समझ में नहीं आता जी। लो फिर काटने को दौड़ रहा है? ये काय को नहीं दौड़ेगा जी, एक तो हमारा कमरा इतना छोटा, वो सुबह को आंगला ही लेता तो दोनों तरफ का दीवार हाथ को लगता, उसके अंदर हम रहता, हमारा मोटा औरत रहता, 12 बच्चे लोग रहता, मेरा औरत 24 आवर टुर टुर करता और बच्चा लोग पुर पुर करता। हमारा हालत में आप हंसता, पब्लिक हंसता, ये गवर्नमेंट भी हंसता, ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों करता हमारा समझ में नहीं आता। ए केला वाला, चल अपना ठेला निकाल, चल चल निकाल जल्दी। चलो उठा ले भाई, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा। अच्छा पीछे में जयराम जी की। अयो केला, अरे ओ, अरे इतना चौड़ा सड़क होते हुए भी लोग साला बीच में ही चलेगा। ए अरे ओ, ओ मेम साहब, अरे हॉर्न नहीं सुनाई देता क्या? साला कार पे रुई डाल के जा रही। ए अरे अभी मारेगा टक्कर साला, फुटबॉल की तरह उधर जाकर गिरेगी। अरे सुनती क्या रे, ए लबक जबाक। अरे बाप रे, ये तो पेट से। मेम साहब माफ करना, अपन को मालूम नहीं था तुम कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो माफ कर देना। कहाँ जाने का, चलो अपन छोड़ देता। परेल परेल, हाँ चलो गाड़ी में बैठ जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ गाड़ी में, छोड़ देता, आ जा। ओ हाँ संभाल के। ओ अरे स्टार्ट हो जा, अरे मान जा मान जा। क्या बोल रहे हाँ? नहीं, क्या बात कर रही?
देख बसंती, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू बोल तो टायर को भी हाथ लगाता हूँ, हैरान मत कर। अरे हो जा स्टार्ट। एक मिनट सर, अरे मेम साहब, वो आपका पति क्या काम करता है? वो पुलिस में है। ओ, पुलिस में? इंस्पेक्टर है। मेम साहब अपना भी एक भाई है, कॉलेज में पढ़ता है, उसको भी यहाँ पर इंस्पेक्टर बनाने के चक्कर में है। अरे बसंती तेरी तो मत मान जा, मान जा। अरे क्या मेम साहब, क्या रहा है वो जब, अरे मेम साहब वो बच्चा होगा तो उसको अपन का प्यार देना। काली पीली टाइम खराब कर दिया ना, लफड़ा कर दिया ना, कहा अपन की इज्जत का फलूदा निकाल दिया ना। आंधे बाज लोग गाड़ी में बैठे और तू स्टार्ट ना हो तो बात समझ में आती, लेकिन ये तो ये इसके टाइम पे काय को स्टार्ट नहीं हुई। ओ फरीदा, ए फरीदा। जी छोटू भैया। अरे इधर आ, इधर आ। ए अनवर राजा, आजा आजा। क्या हुआ? ए देख, ए राजा का कार्ड आया, मेरे को बुलाया, वो कॉलेज में सालाना जलसा होता है ना, उसमें मेरे को जाने का। अरे वाह भैया, तुम तो छा गए। हाँ और नहीं तो क्या, पहली बार कॉलेज जा रहा हूँ, जरा पट पे जाना चाहिए। एक काम करो भैया, शेरवानी पहन के जाओ। भात तेरे की, शेरवानी पहन के जाओ, मुशायरे में जाने का है क्या? ए धोती कुर्ता पहन के जाओ। पार्लियामेंट में जाने का है क्या? अरे भैया सूट पहन के जाओ, मजा आ जाएगा। चलो चलो मेरे साथ, सब लोग देखते रह जाएंगे। चलो टर्न मैन, 21 and a half। ओह व्हाट ए लॉन्ग हैंड, 25 and 4। और वो ये 42 and a half। एक बात बोलेगा? बोलो। तुमको सिर्फ बच्चे लोगों का कपड़ा सीना चाहिए। Hey man, what you are talking? I stitch for a great man only. क्या पैंट एंड पैंट बोलता है, हिंदी नहीं बोल सकता है? अपन बोलता, हम खाली बना लोग का कपड़ा सीता है। तुम्हारा जैसा आदमी पहली दफा हमारी लाइफ में इस दुकान पर आया, जिसका इतना लंबा हाथ, इतना लंबा पैर। ए टेलर मास्टर। यस। हमको इसका कोट चाहिए। अरे राजा है भाई साहब। जी मैं राजा से मिल सकता हूँ? इस वक्त तो मुश्किल है। देखिए अपन उसका भाई है। इस वक्त तो वो मेकअप रूम में, उनका ड्रामा होने वाला है। आप एक काम कीजिए ना, हॉल में तशरीफ ले चलिए। अच्छा तो ये है राजा का भाई। Can you tell me what time the play is going to start? Yes. Yes, thank you. Thank you. I beg your pardon.
What time mean? I want to know what time the play is going to start. अपन को अंग्रेजी नहीं आता है भाई, नहीं आता है. Ladies and gentlemen, तो लीजिए पेशे खिदमत है आज का वो ड्रामा जिसका आप सबको इंतजार था. और इंसान मर गया. इसमें काम करने वाले कलाकार हैं जूली मिस मंजू, ब्रूटस कोमल कुमार और मार्कस राजा. अरे अपन का भाई है भाई. ब्रूटस मेरे सरकार, यहाँ लेटा है आपका प्यार. ठहर, एक दिले बेकरार, चलते हैं अभी होकर हवा के घोड़े पे सवार. बाहर निकलो से फैसला. बहुत अच्छा मेरे सरकार. मैं कहूंगा लव इज ब्लाइंड, आई एम ए लवर सो आई एम ब्लाइंड. व्हेन आई एम ब्लाइंड I can love anybody. Whom I find? Because I am swine, swine and swine. भूली, तेरा परवाना आ ही गया. उड़कर मोहब्बत के परों से. कौन तू? ब्रूटस? हाँ वही. तेरे प्यार ने कर दिया मुझे बेबस. ब्रूटस, जूली मार्कस से मोहब्बत करती है. करती है, करती रहेगी. मार्कस का कत्ल होगा और दुनिया देखती रहेगी, देखती रहेगी, देखती रहेगी. मेरा सरकार, क्या है सिलसिला? जल्दी हो चलो फरार. क्यों? मार का सारा. अच्छी बात है जूली, हम अभी जाएंगे. कल जब चांद उगेगा हम फिर आएंगे, तुझे अपने साथ ले जाएंगे. टुमारो जूली विल बी माइन, लव विल बी माइन एंड गॉड विल बी माइन. जूली मेरा प्यार, तेरा ये सोलह सिंगार, जिसके आगे चांद सितारे हैं बेकार, ये हुस्न ये निखार, जैसे जन्नत की हो बहार. आओ इस बहार में हम खो जाएं एक बार. मार्कस जूली दूर ना होंगे कोई लाख. ए राजा, अरे इसे क्या हुआ? ए राजा, बच गया तेरा बाजा. ए, आज नहीं मांगता, वोट डालेगा साला. बैठ जा. भैया ये कहां से आ गए? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज. वाह क्या बात. अच्छा तेरे डायलॉग बोल. समुद्रों को काट डाला, पहाड़ों को भाप बनाकर उड़ा डाला. अबे क्या पकता है, पहाड़ों को काट डाला, समुद्रों को भाप बनाकर उड़ा डाला. पहाड़ों को काट डाला, समुद्रों को भाप बनाकर उड़ा डाला. जूली मार्कस तेरे लिए आसमान से भी टकरा सकता है. अरे जियो मेरे लाल. मिट्टी को दुश्मनों में मिला सकता हूँ. अबे दुश्मनों को मिट्टी में. दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता हूँ, जमाने को झुका सकता हूँ. दौलत को भस्म करके, कानून को खत्म करके मोहब्बत की हुकूमत चला सकता हूँ. मोहब्बत की हुकूमत चला सकता हूँ, चला सकता हूँ, चला सकता हूँ. अरे आगे बढ़, वहीं क्या खड़ा है? आगे बढ़, वहीं क्या खड़ा है? अरे ये डायलॉग नहीं है, मैं तुझे चलने को कह रहा हूँ. अबे ये डायलॉग नहीं है, मैं तुझे चल. अबे इसको डायलॉग याद नहीं, इसको बाहर करो. बंद करो ये ड्रामा. अरे इसे उठा के बाहर फेंक दो. जा अंदर जा, राजा को पीछे हटा, ड्रामे को आगे बढ़ा, जा तलवार निकाल. राजा कमाल.
अपन खावा का फिरा डाला। उसके थोबड़े का तो अक्का बोनट हिल गया होगा। भैया मामला तो मैंने संभाल लिया वरना सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता। अपन को लगता है अपन की खोपड़ी में भेजा नहीं है, नट बोल्ट स्क्रू पाना ये सब भरेला है। ए, काम कर, ये ले, ये 50 रुपया तू रख, तेरे को काम आएगा। और ये 50 रुपया है ना, वो छोकरे को दे देना, बोलना तेरे भाई ने दिया है। हाँ मतलब तेरे भाई के दोस्त ने दिया है। हाँ मैं चलता हूँ। अच्छा भाई, मगर ये लफड़ा कैसे हो गया? मेरे को ख्याल क्यों नहीं आया कि अपन नाटक देखने लाए? तेरे को तो मालूम है ना अपन कितनी बार रामलीला किया है। याद है एक बार अपन हनुमान बन के वो रावण को स्टेज पे से नीचे फेंक दिया था, वो साला 15 दिन अस्पताल में पड़ेला था। देखिए 20 रुपए तू और रख ले, तेरे को काम आएगा। मैं चलता हूँ। अच्छा भाई, पर वो छोकरे का माँ बाप है ना, वो छोकरे को देखेगा तो बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देख तू ये 20 रुपए और रख ले, वो उसको देना, बोलना दवा दारू कर लेगा। अच्छा, अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, तेरे को बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं भैया, आपकी कोई बात बुरी लग सकती है क्या? मेरे को मालूम था मेरा मुन्ना कभी बुरा नहीं मानेगा। ये ले, ये 20 रुपए और रख ले, बादाम खरीद के खाना, तू बहुत दुबला हो गया है। अच्छा भैया, भैया आप चलिए, बस जाने का वक्त हो गया है, चलिए। अरे भैया ये क्या? अरे कुछ नहीं रे। ए मुन्ना, खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ भैया। कोई तकलीफ हो तो पैसे मंगवा लेना मुझसे। अच्छा हाँ? ए ये ले, ये 50 रुपए रख, तेरे को काम आएगा। अपना ध्यान रखना मुन्ना। अच्छा। अपना ध्यान रखना मुन्ना। हो गया? हाँ हो गया। ये ले भाई, चल बेटा। भाई नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर की बीवी। अरे भीम साहब माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना भीम साहब। वो ये क्या ढूंढता है? वो तुम्हारा वो किधर गया? वो उसका गड़बड़ हो गया तो पुलिस पकड़ लेगा, आप उनको मर्डर केस हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा एकदम। कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ? कोई नहीं पकड़ेगा। मतलब वो हो गया? हाँ हो गया। लड़का हुआ कि लड़की? दोनों। दोनों कभी? कल। कल? अरे लेकिन बच्चे कहाँ है? स्कूल गए। स्कूल गए? अरे कल पैदा हुए, आज स्कूल चले गए? जवाब नहीं तेरा यार। छोटा भैया, अरे अब तक बेटा नींद उतरता हूँ। रिश्वत देता था कि मैं इसको छोड़ दूं। ये इसका बैग देखो साहब, मेरे को तो इसमें कुछ घपले का माल मालूम पड़ता है। चरस आओ साहब, ले जाओ इसे चार्ज रूम में। रॉबर्ट, रॉबर्ट। मुंशी साहब कहाँ? रॉबर्ट क्यों, क्या हुआ? रॉबर्ट
कीर्ति और हमारा माल दोनों पकड़ा गया। क्या? हाँ हाँ, लेकिन बंसी साहब अभी है कहाँ? अब क्या होगा, वो तो अपने भाई के घर गए। भाई साहब, मुद्दत हुई मैंने वो सब काम छोड़ दिए। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं फिर से शराफत की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। तुम और शराफत, तुम्हारी सारी शराफत आज तक सिर्फ पैसे के लालच में। तुम्हें 10 लाख रुपए उधार चाहिए, इसीलिए चेहरे पर शराफत का नकाब ओढ़ कर आए हो। मगर 10 लाख तो क्या, मैं तुम्हें 10 रुपए नहीं दूंगा। चले जाओ यहां से, और आइंदा भूल कर भी इस घर में कलम मत रखना। अच्छी बात है, जाता हूं, लेकिन आज की बेइज्जती के बदले ऐसा लूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। क्या करेगा, मार डालेगा। और तू कर ही जा सकता है, गुंडा है, लोगों को मार सकता है, लोग तुझसे डरते होंगे, लेकिन मैं तुझसे डरने वाला नहीं। चिल्लाए मत सेठ जी। मिलेगा। आई से गेट आउट। तबीयत खराब हो गई सेठ जी। कौन थे वो लोग, कैसे जानता तुम लोगों को? छोटू भैया, मैं किसी को भी नहीं जानता। अब्बा अब्बा, मैं कसम खा के कहता हूँ अब्बा, छोटू भैया ने किसी और को देखा है और मुझ पर शक कर रहे हैं। अब आप ही समझाइए ना इन्हें। तू इसी से बात कर, मुझसे मत बोल। ये स्मगलिंग का काम कब से शुरू कर दिया तुमने? भैया, मैं तो ये तक नहीं जानता कि स्मगलिंग किसे कहते हैं। मैं तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। आपको यकीन ना आए तो आप खुद ही आके पूछ लीजिए जहां मैं काम करता हूँ, और अगर वो लोग इनकार कर दें तो आप मुझे मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ सकते हैं। अच्छी बात है, माना कि आज मेरी आंखें धोखा खा गई, वो तुम नहीं कोई और था। लेकिन एक बात याद रखना अनवर, इस घर के मुझ पर बहुत से एहसान हैं। ये मेरी बहन है, ये मेरे बाप हैं। इस रिश्ते से तुम मेरे भाई लगते हो। मेरा भाई पाप का काम करे या गुनाह के रास्ते पर चले, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खून कर दूंगा मैं उसका, इन हाथों से पकड़कर जेल की कोठरी में ठूस दूंगा उसे, फिर वो चाहे मेरा भाई अनवर हो या राजा हो। कसम पैदा करने वाले की, सच्चाई के लिए मैं प्यार और रिश्ते को जला डालूंगा। अरे, तुम हंस कर रही हो? तुम क्या हो, तुम्हारा भाई क्या है, मुझे सब मालूम है। वो बेचारा दिन रात मेहनत करके टैक्सी चलाता है, और उसका भाई कॉलेज में बैठकर हवाई जहाज उड़ाता है। लेकिन तुम्हें ये, मैंने तुम दोनों भाइयों की बातें अपने कानों से दरवाजे के पीछे से सुनी है। मंजू, तुम्हें मेरी कसम है, किसी से मत कहना कि मेरा भाई एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है। मगर क्यों, तुम दुनिया से अपनी असलियत क्यों छुपाते हो? क्योंकि दौलत कमाना, अमीर बनना मेरी जिंदगी का ख्वाब है। मैंने तुम्हारी अमीरी गरीबी से नहीं, तुमसे प्यार किया है। और फिर जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं, दुनिया में सुख मिल जाए, प्यार मिल जाए, इस दौलत के आगे दुनिया की दौलत तो कुछ भी नहीं होती राजा। ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत होती है। एक बार मैं भी दौलत कमा लूं, फिर देखूंगा दौलत ज्यादा जरूरी है या प्रेम और सुख। अबे, पैसा ना तो आसमान से टपकता है और ना खेत में उगता है। प्यारे, जो समुन्द्र में डुबकी लगा सकता है ना, वही मोती पा सकता है। अबे डायलॉग बाजी बंद कर और मतलब की बात कर। मतलब की तो बात कर रहा हूँ। अबे चेहरे पे खूबसूरती है, हाथ में पत्तों की चराकी है। अगर तेरी जगह मैं होता ना, तो अब तक लाखों रुपए कमा चुका होता। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी दुनिया में लेके चलता हूँ जहाँ चेहरे की चमक से हजारों और हाथ की चलाकी से लाखों रुपए कमा सकता है। बोल, चलता है मेरे साथ? सोच के बताता हूँ। सोच ले, मगर जल्दी, ऐसा ना हो वहां कोई दूसरा आ जाए और तू सारी जिंदगी हाथ मलता रहे। Thank you.
अरे 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 बात क्या है? बताता हूँ बताता हूँ। ए फरीदा। जी भैया। चल 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 खासा किधर से? क्या हुआ? चल तू 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 जा। कहाँ? वो मेरी खोली में मेरा कोट पड़ा हुआ है, जेब में लाइसेंस है, लेके आ जा। अरे चल दौड़ के जा दौड़। क्या बात है? चाचा वो ऐसा होता है ना, वो तेरा पेट दुख रहा है? मैंने ना पेट नहीं दुख रहा चाचा, वो क्या कहते हैं उसे, ये ऐसा होता है ना, ऐसा मटका। मटका नहीं, मटके का क्या करूंगा, अपना सर फोड़ूं। मैंने सारा घर छान मारा मगर वहां कुछ भी नहीं है। अरे यार अजीब मुसीबत है। अरे तू बाहर जा, इधर प्राइवेट बात हो रहा है, प्राइवेट। हाँ चल जा। गलत बात, प्राइवेट बात करना, खुसर फुसर करना, ये सब बुरी बात है, शैतानी चक्कर है। जो कुछ भी बोलना है मेरे सामने बोलो। तेरे सामने बोलने वाली बात नहीं है। चाचा चलो बात। अरे बात क्या? अरे बाहर आओ ना, यहाँ कोई बात ही नहीं करने देता। क्या बात? देखो चाचा, वो होता है ना, वो ऐसा है। क्या? अरे समझो चाचा, वो ऐसा। अरे औरत का पेट ऐसे कब होता है? अरे बच्चा जब। हाँ हाँ हाँ, डेढ़ खिलाक लग गया तुमको भी समझने। तो सीधे बोलना कि यूं यूं क्या करना। अच्छा चाचा सुनो सुनो, वो एक मरतबे ऐसे हो जाता है, दोबारा कितने दिन बाद होता है? दो साल, तीन साल, कम से कम एक साल। एक साल? हाँ एक साल। चाचा इधर बैठो सुनो, मैंने एक छोकरी देखी, हफ्ता भर पहले वो ऐसी ऐसी थी, परसों देखा तो मैदान साहब। मतलब जच्ची हो चुकी थी? हाँ यानी बच्चा हो गया था। हाँ हाँ हो गया था, हो गया था। लेकिन आज देखा तो फिर वही। नहीं तूने किसी और को देखा होगा। अरे अल्लाह की कसम वही लड़की थी। देख कसम मत का गुनाह होगा। आपकी कसम चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कयामत आ जाएगी। अरे चाचा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तूने किसी और को देखा होगा। कमाल है, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता। नहीं तो थोड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। अरे वाह छोटू वाह। अरे हट जा बाजू, नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने।
गंदी साफ कूठी ऐसी, मैंने तो ना देखी तेरे जैसी। अरे हट जा बाजू, नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। हंस मेरी रानी, जगन जैसा ही दिख रहा है। ये गेट कॉलर जो है, थोड़ा मदद करना चाहिए। ये क्या देखता है आप हमको? कुछ नहीं सेठ, वो तुम्हारा शक्ल अपना बस्ती में एक जगन करके उससे बहुत मिलता है। शक्ल इसलिए मिलता है क्योंकि आदमी मिलता, नाम मिलता। आजकल दुनिया हमको जैक्सन बोलता। अरे जगन, ये तेरा जगन रे, तेरा जगन। अरे लेकिन सर पे इतना बाल किधर से आया? ये जब माल आता तो टकले पे बाल भी आता रहे। ये मेरे को जू पे पार्क बंगल में छोड़ता क्या? हाँ चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ बैठ। मगर ये सब हुआ कैसे? ए, लॉटरी लगा क्या? ये लॉटरी नहीं जी, लॉटरी का बाप लॉटरी लगा मेरे को। मेरा एक दोस्त दो नंबर का धंधा करता है। हम उसको बोला यार मेरा थोड़ा मदद करना, हम तकलीफ में। वो मेरे को लगा दिया, हम लग गया काम पे जी। ये केला के धंधे में हम बहुत थक गया जी। रे रात को काम में बड़ा बड़ा केला दिखता मेरे को। ये परसों एक आदमी का पैसे में हम बहुत घपला किया। ये 15 लाख रुपया मिला वो मेरा अंदर। 15 लाख? उसके बाद में हम एक बंगला लिया। बंगला? उसके बाद में हम एक बेंज लिया। मर्सिडीज? अयो मुर्गा, ये चोटो उस्ताद। हाँ। ये टैक्सी को तुम चोर बाजार में बेच देना चाहिए। हम तुमको 2 नंबर का आदमी एक दिन में बनाता। तुम सिटी का टॉप ड्राइवर ना, डेंजर डायबॉलिक। हमारे से 10 मिनट आगे जाएंगे ना तुम। बोल दिया? बोल। दोबारा ऐसे नहीं बोलना। ये काय को नहीं बोलना जी? ऐसा हाथ मारूंगा कि मुंह में जितना असली दांत है वो तो बाहर गिर जाएगा, दोबारा नकली दांत भी फिट नहीं होगा। समझा? समझ गया। ये टैक्स का भाड़ा कितना जी? अबे चल भाग यहां से, भाड़ा पूछता। चल भाग। अरे चाटो उस्ताद, हम कड़की में कितना पैसा तुम्हारे से लिया जी है? आप भी मेरे पास बहुत पैसा, आप लेना पैसा। चलो 10 रुपए निकालो। ये 100 रुपए पकड़ो जी। ये ले अपने 90। हो जगन, हो, हो। अबे ये 90 रुपए तो लेता जा। आप मेरा फ्रेंड जी, आप रखना ये 90 रुपीज टिप। अरे वो, अबे सुन, टिप नहीं चाहिए। ठीक है, डैशबोर्ड में रखा 90 रुपए, कभी कड़की छा जाएगी तो आके निकाल लेना। ए चाचा। हाँ। ये सामान किसका रेला है? अरे वो झोपड़ा खाली था ना। हाँ। वहाँ कोई नई भाड़ उतरने को आई है। चलो अच्छा है, बहुत दिनों से मकान खाली था। अरे राजा आ गया। नमस्ते रहीम चाचा। अरे ना दाग ना चिट्ठी है। अरे मुझसे कहता मैं लेने चला आता। तो भैया मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। क्या देना चाहता था? सरप्राइज। देख बिड़ू, ये सर क्या होता अपन को मालूम है, प्राइस किस चीज का कितना होता ये भी अपन को मालूम है, लेकिन ये सर का प्राइस क्या होता ये अपन को नहीं मालूम। भैया आप भी। भैया मैं आपको चौंका देना चाहता था। अच्छा हाँ, चल बाबा चल, मैं चौंक गया। चल, ए, तेरा इम्तिहान कैसे हुआ?
फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास हुआ ना, वो पेपर पर होते हुए कैसे हुए? बहुत अच्छे। अरे जियो मेरे राजा। अरे तेरा नंबर क्या है राजा? ए चाचा, ये मेरा भाई है, कोई टैक्सी नहीं है कि नंबर लगाओ। अरे छोटू, इम्तिहान में 3 नंबर होता है ना। अच्छा 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 भाई, मुझे क्या मालूम क्या होता है, क्या नंबर है भाई? वो मेरा नंबर है 3782। ये मेरी डायरी में लिख देगा? क्या हुआ यार, मुझे डर लग रहा है। अरे छोड़ यार, डर किस बात का, तुझे करोड़पति बनना है ना। ये वो दरवाजा है जिसके अंदर नोट तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल यार, कम ऑन। ₹100 की ब्लाइंड दिस वे, अनदर 100। कपूर साहब मेरी तरफ से ₹100 का शो कीजिए। Here you are. Here is it. Good evening, everybody. Good evening. Hello, good evening. Sir. Welcome, welcome. Kapoor sahab, ek deal aur. Of course. All the best. Lo Bansi sahab, main le aa raja ko. Kahan hai? Kapoor sahab ke table pe khel raha. Acha? ये बस किधर से आ रही है? बस तो इधर से ही आ रही है। शरीफों की बस्ती में दारू बनाता है, हट्टी लगाते हैं। अरे उतर जा। क्या तुम्हारी हड्डी तोड़ डालूंगा? छोड़ दे। चुप। तो साला तुम्हारा आदमी पुलिस का इंस्पेक्टर है? अब समझ में आया रोज रोज तुम्हारा गर्भवती नानावती किधर से आता है? चल निकल इधर, अपना डब्बा इधर। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा मेरे को? अरे तेरे को तो क्या, तेरे अक्के खानदान को मार मार के ड्रम में भर दूंगा, समझे? तू मेरे को मारा? मारा, तेरे को मारा, तेरे बाप को भी मारा। अरे क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? अरे देखिए ना रहीम चाचा, ये साली जो है ना, ये साली खाली नहीं बेटे। अरे काय को खाली नहीं चाचा, एक हफ्ते से बेवकूफ बना रही मेरे को, कभी पेट वाली कभी पेट खाली, दारू का धंधा करती, ये देखो। तो तेरे बाप का क्या जाता है? ए बाप, ए, 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 क्या करते हो तुम, लड़की को गाली देते हो? अरे ये लड़की थोड़ी ना चाचा, ये तो दारू वाली है। देख चाचा इसको समझा दे, मैं बोले दे रहा हूँ, एक हाथ मारूंगा ये मर्सिडीज जैसा थोबड़ा एकदम स्कूटर जैसा हो जाएगा। हाँ अरे चलता अब्बे ओ पोकल, एक आदमी से कितने कितना मार खा
इस लंबू को अगर अपन ने ठीक नहीं किया तो अपन का नाम भी मेरी नहीं। इसको खलास करने का है। एक लंबू है, उसने मेरा भट्टी तोड़ दिया, मेरे आदमी लोगों को मारा, उसको खलास कर देने का है। सुनो या, एक आदमी लफड़ा करता है इसके साथ, उसका पता लगा लो, शाम को 7 बजे इधर उठा कर ले आओ उस साले को। शाम को मैं भी इधर आएगी। हाँ हाँ, तेरे को तो आना ही पड़ेगा, मैं किसी का काम फोकट में नहीं करता। टैक्सी खाली है क्या? हाँ टैक्सी तो खाली है, लेकिन एक टैक्सी में सिर्फ 4 आदमी जा सकते हैं। बोलो कहाँ पहुंचा तुम? वो तो हम पहुंचा देंगे। मैंने कहा था ना, मैं किसी का काम फोकट में नहीं करता। मैं दारू बेचने का धंधा करती हूँ पीटर, अपना जिस्म बेचने का नहीं। देखता छोड़ दे, कहाँ जाओगी मेरी जान? तेरा नाम मेरी है और मदर मेरी की कसम, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। छोड़ दे मुझे। बचकर कहाँ जाएगी? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बच्चा, बच्चा। जब एक बार किसी को पकड़ ले से फिर कोई माइकल आन नहीं बचा सकता। ये क्या? मैंने तुम्हें उस आदमी को लाने को बोला था। ओए, वो आदमी लाने को बोला था बराबर है, लेकिन मामला थोड़ा उल्टा हो गया। मैं खुद इनको लेकर इधर आ गया। हाँ? ये क्या है मेरे लिए? इन लोगों को देखने के बाद मैंने सोचा था शायद तुम्हें अकल आ गई होगी। चलो अभी गया सर। क्या रे, तूने मेरे को मारने के वास्ते लोग भेजा था? वो भी ये फिर सला पोखर लोग। अरे ये लोग दारू पी पी के हराम का माल खा के एकदम फुग्गे की तरह फूल गया, अंदर से खोखला है मालूम। अगली बार तो जाड़ा तगड़ा आदमी भेजना, समझे? अरे ए, ए, ये क्या करती? पांव की छुरी मेरा। मेरे को माफ कर दो, तुमने नहीं बचाया होता तो वो लोग मेरी इज्जत लूट लेते। इज्जत? कौन सी इज्जत? अरे तेरे पास इज्जत है किधर जो कोई लूटेगा? हराम की कमाई खाती है तू, दारू बनाती है, दारू बेचती है, बुराई का काम करती है, ऊपर से इज्जत की बात करती है। अरे अगर इज्जत का इतना ही ख्याल है तो ठोकर मार इन बुरे कामों को,
मेहनत कर, झाड़ू लगा, बर्तन मांज, दो रोटी कमा कर खा, नहीं तो भूखी मर जा। बात करती एक मिनट रुको, मैं भी आता हूं।
श्रीवास्तव सॉलिसिटर, सॉरी सर, इस हफ्ते अपॉइंटमेंट का कोई चांस नहीं है, आप नेक्स्ट वीक कांटेक्ट कीजिए। यस सर, थैंक यू। यस प्लीज। वकील साहब है? जी हाँ, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, उनसे कहो कि उनके बचपन का दोस्त बंसी ले आया है। एक्सक्यूज मी सर, डोंट यू थिंक धुआं जरा ज्यादा हो रहा है? होने दो, जल्दी से एक दो सिगरेट और पी लेना दो। हेलो हरी, बंसी। अरे भाई वाह, पहचान लिया? लोग तो 20 साल में अपने माँ बाप की सूरतों को भूल जाते, लेकिन तुम्हें सब याद है हा? तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं क्यों, ऐसी कौन सी बात है मुझे ना भूलने वाली? मेरी जिंदगी की कहानी तुमसे ही तो शुरू हुई थी ना। उस रोज कॉलेज में हम दोनों में हाथापाई होती, ना मैं बीमार पड़ता, ना मुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ती, और ना मेरे भाई मुझसे बिछड़ जाते। खैर छोड़ो, आओ बैठो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे मेरा एक आदमी पकड़ा गया, उसे छुड़ाना है। किस सिलसिले में? कुछ माल था उसके पास। किस किस्म का माल? यही बस, कोकीन, चरस, गांजा वगैरह। ओ कम ऑन हरी, प्लीज मेरी मदद करो यार, उस आदमी का छुटना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। उसके लिए जितनी कीमत तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं जो कीमत मांगूंगा बंसी, तुम दे नहीं सकोगे। क्यों? अरे यार मांग कर तो देखो। कीमत यह है, तुम खुद चलो मेरे साथ पुलिस के सामने और कह दो वो सारा माल तुम्हारा है, वो आदमी बेकसूर है, मैं उसको छुड़ा दूंगा। चलते हो? ऐसे? अच्छा भाई, मैं तो बहुत उम्मीदें लेकर आया था तुम्हारे पास। गलत जगह उम्मीद लेकर जाने से अक्सर मायूसी होती है। मैं कानून भेजता नहीं तो उसकी हिफाजत करता हूं। क्या भी हो गया? अरे जाने दे भाई, बट पैसेंजर आया। अरे अरे ठीक है ठीक है, सलाम साहब। ये बाद में होता है। ये आप अभी हमारे टैक्सी में आए ना? ये घड़ी आपका उधर गिर गया। ओह माय गॉड, बहुत कीमती घड़ी है। हां ये आपका ही घड़ी है ना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब एक मिनट जी, ये क्या है? रख लो।
अरे नहीं साहब, क्या समझता है आप? ये आपका घड़ी लेकर के चार माला पैदल चढ़ के ये बाइक के साथ झगड़ा करके सिर्फ बख्शीश लेने आया? अरे पैसेंजर का माल मिल गया, टैक्सी का इज्जत बच भाई। आज मेरे सितारे का ईमानदारी में तुझे तुम्हारा भाई लगता है, तुम? भाभी मैं आपका देवर हूँ, छोटू उस्ताद। छोटू उस्ताद? जी भाभी, बॉम्बे में जितने टैक्सी वाले ना सब प्यार से मुझे छोटू उस्ताद बोलते हैं। मैं आपका गोविंद हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना? कैसे आना हुआ? जी मुझे आज ही पता चला कि आप लोग शहर में हैं, वरना मैं तो पहले चला आता। किस लिए? जी आप लोगों से मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने के लिए या टुकड़े बटोरने के लिए? भाभी। या मेरे बसे बसाए घर में आग लगाने के लिए? वो भाई जो तुम्हें भूल चुका है उसकी दुनिया फिर से उजाड़ने आया हो तुम? नहीं नहीं भाभी, मैं आपका घर उजाड़ने नहीं आया हूँ, और ना ही मुझे भाई की दौलत चाहिए। मैं तो और ना ही हमको तुम जैसा एक मामूली और मतलबी रिश्तेदार चाहिए। यहाँ आने से पहले अपनी हैसियत पे नजर डाली थी? ये भी सोचा था किसके घर जा रहे हो? मुल्क के सबसे मशहूर वकील के घर। और तुम क्या हो? सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर। अगर वाकई तुम इज्जतदार हो और तुम्हें अपने भाई की इज्जत प्यारी है, तो फिर कभी भूले सवे इस घर में नहीं आना। कमाल का लड़का है तू। आज मुद्दतों बाद बड़ा भाई मिला और तूने उससे कहा तक नहीं कि तू उसका छोटा भाई है। हाँ चाचा, हिम्मत नहीं हुई मेरी। भाभी के वो बोझ वाले शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। और फिर क्या कहकर मिलता उनसे कि मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूं, वो इस शहर के इतने बड़े वकील, मैं एक जाहिल कमार हूं। अरे तो क्या जिंदगी भर तू उन्हें देखता रहेगा और बताएगा नहीं कि तेरा और उनका क्या रिश्ता है? बताऊंगा चाचा, जरूर बताऊंगा। उस दिन, जिस दिन मेरा राजा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाएगा, ले जाऊंगा उसे उनके पास और कहूंगा, अगर मुझ गरीब जाहिल को अपना भाई कहने में आपकी इज्जत में फर्क पड़ता है तो मत कहिए, लेकिन मेरा राजा तो पढ़ा लिखा है, इसे तो आप अपना भाई कह सकते हैं। हाय। हाँ बंशी साहब, लड़का तो बहुत हैंडसम है। बस तो चक्कर चल जाना चाहिए रामनाथ, इसकी शादी मेरे भाई वर्मा की बेटी मंजू से करवा दो। इतना माल तुम्हारे घर में भर दूंगा कि 17 जन्म तक तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय जूली। हाय जूली डार्लिंग, तुम्हारा मामला राजा के साथ कहाँ तक पहुँचा है? फांस रही हूँ पंछी को। फांसो और जल्दी फांसो और नाटक शुरू कर दो, समझे? और रामनाथ, तुम जल्द से जल्द इसे मेरे भाई का दामाद बना दो, फिर देखो मजा कि राजा के जरिए बंसी किस तरह करोड़ों का हेर फेर मिनटों में फिट करता है। सारी वर्मा ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में स्मगलिंग शुरू कर दूंगा, कुत्ते का लुढ़कते ही सारे बिजनेस पर हावी हो जाऊंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि मंजू बेटी अभी शादी के लायक हो गई है, उसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। सोचता तो हूँ रामनाथ, बल्कि दिन रात यही फिक्र लगी।
पेशेंस, उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा? ये घर बिल्कुल सुना हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, बेटी जाएगी क्यों? क्यों ना ऐसा लड़का तलाश किया जाए जो बेटी को ब्याह कर ले जाने के बजाय खुद इस घर में आ जाए। आजकल के जमाने में ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? एक लड़का मेरे नजरों में है सेठ जी। हाँ? मंजू बेटी को उसे चाहती है। अच्छा? जी हाँ सेठ जी, लड़का गरीब है और गरीब हो तो बेहतर है अपने लिए। आपके काबू में रहेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। उससे मेरी मुलाकात करा सकते हो? क्यों नहीं, अगर आप चाहे तो कल जो फंक्शन है उसमें उसे बुला लेते हैं। बुला लो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कहिए सेठ जी। मुझे लड़का पसंद है। हाँ सेठ जी, अब बोलिए। राजा बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, ईमानदार है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ, इसलिए मैं उसके लिए रिश्ता लेके आया अपनी बेटी का। सेठ जी, आप जैसे बड़े आदमी ने मेरे भाई की कदर की, मेरे घर पर चलकर आए, मेरी तो जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो गए। इस खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ सेठ जी। लेकिन लेकिन एक बात कहनी थी जी। मैं अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं समझता, लेकिन लेकिन सेठ जी का यह कहना है कि मंजू बिटिया कारों में घूमी है, बंगलों में रही है, इस माहौल में उसका रहना वो आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, उन दोनों के लिए तो मैं अपने आप को बेचकर जिंदगी का हर सुख खरीद कर देऊंगा। नहीं, तुम समझे नहीं, मेरा मतलब है शादी के बाद राजा मेरा कारोबार संभाले, हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। यानी घर जमाई बनकर, आपका गुलाम बनकर? नहीं नहीं, मेरा मतलब है नहीं। सेठ जी, आप पहले आदमी है जिसने मेरे घर में आकर के मेरी बेइज्जती की है, मेरी खुददारी को गाली दी है। मेरा भाई जिसे आप यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, वो इस घर में नहीं रहता, यहाँ मेरे दिल में रहता है, और यहाँ से उसे सिर्फ मेरी मौत निकाल सकती है, समझे आप? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सेठ जी, दौलत का लालच देकर आप मेरे भाई को खरीदना चाहते हैं। देखिए, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, आत्मा है वो मेरी। और आत्मा सेठ जी दौलत वालों की दुनिया में बिकती होगी, गरीबी का नहीं। आप जाइए यहाँ से और दोबारा लौट कर आइएगा मत, चले जाइए। भाई को खरीदने आए थे। भैया वो सेठ जी? हाँ, वो आया था वर्मा सेठ, खरीदना चाहता था तुझे, बंगला और गाड़ी का लालच देकर मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहता था, इनकार कर दिया मैंने उसे। अरे हम बिकाऊ क्या है? हम बिकाऊ हैं? जिंदगी में जो कुछ चाहिए सब कुछ तो है हमारे पास। याद है जब हम लोग भूखे नंगे गांव से आए थे, न पांव में जूता था, न सर पे छत थी, पेट में रोटी थी, तन को ढकने का कपड़ा नहीं था, लेकिन आज तकदीर ने हमें सब कुछ दे दिया। घर है, पेट भरने को रोटी है, बाप जैसे रहीम चाचा हैं, फरीदा बहन है, ये बसंती हमारी मां जैसी है, और क्या चाहिए? खरीदने आए थे। तू चुप क्यों है? भैया, इस दुनिया में दौलत बड़ी मुश्किल से किसी के नसीब में आती है। जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है और वो गंवा दिया तो फिर दौलत कभी हाथ नहीं आती। मेरी जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ भैया, आज के दौर में लाखों पढ़े लिखे ईमानदार इंसान हैं जो सड़कों की खाक छानते हैं, नौकरी तक नहीं मिलती उन्हें,
और हमारे घर की चौखट तक दौलत चलकर आई और आपने उसे ठोकर मारकर लौटा दिया। आपने मेरे बनने वाले भविष्य को चूर चूर करके रख दिया। भैया, प्यार करने वाले कुर्बानी दिया करते हैं, दूसरों का घर नहीं उजाड़ा करते। सेठ जी, टॉम, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। सेठ जी, उस दिन अपनी औकात भूलकर मैंने आपसे बदतमीजी की, मैं उसी की माफी मांगने आया हूं। सेठ जी, सेठ जी, मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत दीजिए। मैं जज्बात में आकर भूल गया कि इस दुनिया में प्यार के सिवा और कुछ नहीं है। प्यार से पेट थोड़ी ना भर सकता है इंसान, तरक्की तो नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने प्यार को रुकावट बनाकर अपने भाई की तरक्की नहीं रोकना चाहता। सेठ जी, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए और मेरे भाई को अपना लीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूं सेठ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा चलता हूं सेठ जी। सेठ जी, अगर एक मेहरबानी आप और कर दें तो हम गरीबों की इज्जत रह जाएगी। बोलो। मेरे राजा की शादी हमारी बस्ती में ही हो। मुझे मंजूर है। लो छोटू, तुमने बुलाया, हम आ गए। आप जब तक नहीं आते मैं फेरे थोड़ी ना होने देता बड़े भाई। मेरा मतलब वकील साहब। आइए। ओम गणानंद गणपति क्वंगवामय स्वाहा, निधि नंद निधिपति क्वंगवामय स्वाहा। लेकिन मेरे क्यों? शादी के बाद बड़े भाई के पांव छूते हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा मतलब बड़े भाई के समान है। पांचों बेटे जीते। आज अगर राजा और गोविंद मेरे पास होते तो शायद इतनी ही इज्जत, इतना ही प्यार देते जितना छोटू ने दिया है। मैं
छोटू क्या बात है चाचा? बेटे कब तक तू इस तरह गमों के अंधेरे में डूबा रहेगा? इस बुड्ढे से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। जाने दो चाचा, अपने इस बेटे का गम मत करो। बड़ा बदनसीब है आपका ये बेटा। इसने जिसे भी चाहा वही उसे छोड़कर चला गया। मां बाप चले गए, भाभी छूट गई, बड़ा भाई छूट गया। इस टूटे हुए दिल का एक ही सहारा था जिस पर मैंने प्यार की इमारत खड़ी की थी, मेरा छोटा भाई। वो भी चला गया। इसी तरह चाचा एक दिन गम भी छोड़कर चला जाएगा, और अगर गम नहीं गया तो मैं ही चला जाऊंगा इस दुनिया से। नहीं बेटे, ऐसी बात मत कर। क्या हम तेरे नहीं हैं? ये फरीदा तेरी बहन नहीं है? ये बूढ़ा तेरा बाप नहीं है? क्या हम लोग तुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करते हो चाचा, बहुत प्यार करते हो, लेकिन डर लगता है अपनी तकदीर से, अपनी बदकिस्मती से। कहीं तुम लोग भी मुझे एक दिन छोड़कर अलग न कर। मैं इससे पहले सबसे अलग हो जाऊंगा चाचा। एक दिन चला जाऊंगा मैं चाचा, बहुत जल्द चला जाऊंगा मैं। अरे मुनीम जी, आज क्या तारीख होगी भाई? आज 15 अगस्त है जी। 15 अगस्त? अरे वो छोटी उस्ताद है ना जी, वो अपनी गाड़ी गिरवी रख गया था और आज पीछा लौटाने का वादा किया था। तू जा उसके घर जाके देख दो जी। अच्छा। जाने की जरूरत नहीं सेठ, गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं सेठ जी, जिसके साथ जिंदगी ने मजाक किया, तकदीर ने मजाक किया, तुमने भी मजाक कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? यो बात नहीं भाई, पर छोटू तुम करोगे किए? गाड़ी तो हाथ पैर से चलती है सेठ जी, गाड़ी चली गई तो क्या हुआ, हाथ पैर तो बाकी है ना, और जब तक ये साथ में है जिंदगी गाड़ी चलती रही। लेकिन सेठ जी मेरी बसंती का ख्याल रखना। बसंती, मैं सारी दुनिया से कहता था कि तू मेरी मां है, मेरी बहन है। तूने मुझे अपनी गोद में बैठा के बड़ा किया, मुझे पाला पोसा, मगर बड़ा बदनसीब है तेरा ये बेटा। आज अपनी मां को बेचकर जा रहा है। छोटू, अरे वकील साहब, क्या बात है, ये कीचड़ कैसे लग गया है? अपना ही कोई भाई था साहब, कीचड़ उछाल के चला गया। क्या बात है, उस तरफ कोई खास चीज है? साहब अपने लिए तो दोनों तरफ खास चीज है, उधर भी और इधर भी। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ये जिंदगी क्या सिर्फ छोड़ने के लिए है साहब? मैंने आपको छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, वक्त ने बसंती को छोड़ा लिया, आज आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। छोड़ तो सभी जाते हैं छोटू,
जब अपने छोड़ते हैं तब दुख आता है, जब दुख छोड़ता है तो मौत आती है, और कौन जाने मौत भी वफा करती है या वो भी छोड़कर चली जाती है। खैर मैं उस छोड़ने की बात नहीं कर रहा था। नहीं वकील साहब, आप जाइए, मुझे यहीं पास में जाना है, मैं चला जाऊंगा। चलो चलो जल्दी करो, बंद कर। बंसी साहब, गाड़ियों में से सभी माल उतारा जा चुका है। गुड, वेरी गुड। क्यों उस्ताद, मान गए कि नहीं? आजकल इस मुल्क में स्मगलिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन देख लो हम कितनी आसानी से वर्मा ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में माल ला रहे हैं और माल ले जा रहे हैं। बस तुम अपने ससुर की निगाहों में शराफत का ढोंग रचाते रहो और हम उसकी गाड़ियों में स्मगलिंग के चक्कर चलाते रहेंगे। ये सारा माल कल 50 लाख में बिक जाएगा, इसमें से 25 लाख तुम्हारे और 25 लाख हमारे। इसी बात पर चीयर्स। 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 अब बस भी करो, तुम रोती चली जा रही हो, और मेरी भी तो सुनो। और मैं कुछ जानबूझ के थोड़े पीता हूँ, मजबूरन पीना पड़ता है मुझे। बिजनेस में 50 लोगों से मुलाकात होती है, उन्हें खुश करने के लिए खिलाना पिलाना पड़ता है। ये बिजनेस जो तुम आज संभाल रहे हो, ये मेरे डैडी का है। वो कम से कम 40 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने आज तक किसी को खुश करने के लिए कभी शराब नहीं पी। ये कौन से नए लोग आ गए हैं जिन्हें खुश करने के लिए तुम्हें शराब पीनी पड़ती है? तुम्हारे डैडी पुराने जमाने के आदमी हैं, सीधे साधे तरीके से बिजनेस चलाते हैं, पर आज जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला, तू बदल गया है, तेरी आंखें बदल गई हैं। जब तूने घर बदल दिया, दुनिया बदल दी, रिश्ते बदल दिए, तो बिजनेस का स्टाइल कैसे नहीं बदलेगा? हाँ मेरी मैं हाथ मत लगा मुझे, पहले मैं जो कहने आई हूँ वो सुन। तेरे जैसा बेमुरवत आदमी तो दुनिया में नहीं देखा, जिस भाई ने अपनी जिंदगी का एक एक दिन तेरी जिंदगी सवाने में गुजार दिया, जो खुद भूखा रहा ताकि तू खा सके, जिसने खुद सारे दुख सहे ताकि तू खुश रहे, और तू इन महलों में आ गया है तो उस झोपड़े वाले भाई की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वो दुखों में डूबा पड़ा है, जिंदा है लेकिन मुर्दों जैसी जिंदगी जी रहा है, और तू तू मतलब ही है राजा, तू मतलब ही है। अरे बसंती, ये चाचा, अरे ये बसंती कहां से आ गई? सारी जिंदगी मेहनत से काम करने वाला गरीब आदमी एक दिन अमीर जरूर बनता है, और वो दिन होता है उसके प्रोविडेंट फंड मिलने का दिन, जिस दिन वो रिटायर होता है। आज मैं भी अमीर हुआ हूँ, और अपनी दौलत से अपने बेटे को अमीर कर रहा हूँ। आपने इसे अपने प्रोविडेंट फंड से? मेरा बेटा बहुत उदास रहता था ना, मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं गई, इसे बाप की तरफ से तोहफा ही समझ लो। अरे चाचा, बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप से तोहफे लेता नहीं बल्कि उसे लाकर देता है, और फिर अभी तो इतनी जिम्मेदारियां बाकी हैं, फरीदा का घर बसाना है। मेरी खुशी के सामने फरीदा का घर बसाना ज्यादा जरूरी है चाचा, आप इसे लौटाइए और अपने पैसे वापस ले लीजिए। अरे बेटा, जब उसने पैदा किया है तो जिंदगी की हर जरूरत को भी वही पूरा करेगा, लेकिन आज तू ये तोहफा लौटाकर इस बूढ़े को बेइज्जत मत कर। बेइज्जत नहीं करना चाहता चाचा, इसीलिए तो इनकार कर रहा हूं। अगर मैंने इसे ले लिया तो लोग समझेंगे छोटू ने अपनी खुददारी बेच दी है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी बेइज्जती आपकी बेइज्जती है चाचा, इसीलिए आप इसे वापस ले जाइए। अच्छा चल, अपने बाप से कर्ज तो ले सकता है ना, और जब तक वो कर्ज उतार नहीं लेता तब तक उसकी गाड़ी चलाएगा ना चाचा? चाचा लोग कहते हैं कि प्यार मुरव्वत इस दुनिया से मर चुका है, लेकिन जब तक आप जैसे लोग हैं ना, प्यार कभी नहीं मर सकता इस दुनिया से। इस बच्चे पर आपने बहुत से एहसान किए चाचा, मगर आज तो आपने मुझे खरीद लिया, मुझे खरीद लिया चाचा। अच्छा अच्छा चल, अब अंदर चल। अरे हाँ बेटा, हाँ आज याद आई है तेरे को भाई की,
हाँ? नहीं भैया, याद तो रोज आती थी, लेकिन मैं अपने कारोबार में इतना बिजी था कि मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। और भैया, मैं तो आपकी जिंदगी का अरमान पूरा कर रहा हूँ, सपना पूरा कर रहा हूँ, इज्जत कमा रहा हूँ, दौलत कमा रहा हूँ, हजारों आदमी मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, लाखों का बिजनेस करता हूँ मैं, करोड़ों की डीलिंग्स करता हूँ। और देखना भैया, एक दिन तुम्हारा ये भाई इस मुल्क का सबसे बड़ा आदमी बनकर बताएगा। अरे चाचा, ये अपना छोटा सा मुन्ना, अपना राजा, ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आज, हैं? मैं तो सपना ही देखता रहा और ये कितना बड़ा आदमी बन गया, कमाल है। और मैं साला उल्लू का पट्टा खामखा अंदर ही अंदर अपना दिल छोटा करता रहा कि पता नहीं मेरा भाई मुझे याद रखता है कि नहीं। मैं सठिया गया चाचा, क्या तू सठिया गया? हाँ चाचा, सठिया गया मैं, बूढ़ा हो गया। चला, सीधी बात खोपड़ी में घुसती नहीं मेरी। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश, कमा, खूब दौलत कमा, खूब नाम कमा, लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, दौलत और नाम के सामने अपनी इज्जत कभी मत गंवाना। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। हाँ खाली है, किधर जाने का है? अरे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ये मेरी, देख सुबह सुबह धंधे का टाइम है, खोटी मत कर। हाँ तारा तेरी दादी दारा 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 दारा। हाँ आज तो अपन बहुत खुश है भाई। तुम्हारी खुशी में भी आना। तुम्हारी खुशी में क्यों, क्या हुआ, शादी कर रही क्या? फिर आज हम लोगों का त्योहार है। ओ तब तो अपन नहीं आने वाला है। अरे उधर तुम लोग जाकर के दारू वारू पीता है, तुमको तो मालूम है अपन को दारू बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मतलब तू नहीं आएगा? नहीं नहीं अपन तो नहीं आएगा। अरे रे, मैंने तो सब लोगों को बड़ाई मार के बोला था कि मेरे भी सगे वाले हैं, वो लोग सब आएंगे, और तू कहता है कि तू नहीं आएगा। अरे अरे अरे, तुम तो जूते समेत आंख में घुसे चली जा रही हो, एक आध बार तुमसे बात क्या कर ली, हम तुम्हारे सगे वाले बन गए, किसी दिन घर पहुंच जाऊंगा तो घरवाला बन जाऊंगा क्या? ये बात है? हाँ यही बात है, तो मैं भी देख लूंगी। अरे क्या देख लेगी तू, ओ मेरी, ओ लपक, अरे लपक झपक कहाँ चली? क्या क्या? हेलो मैमी, हाउ आर यू? हेलो, हेलो मैमी, हेलो मैमी, क्या करता है? पहले बुलाता है फिर मुंह पिलाता है। बुलाता है? किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसके घर जाता है? किसको बुलाता है? किसको दावत देता है? किसके लिए एकदम वेट करता है? अभी बोलता है किसने बुलाया? तुम क्या बोलता है हमारी समझ में नहीं आता, हम तुम्हें क्यों बुलाएगा, हम तो तुम्हें पता भी नहीं है। मैमी अपना दोनों आंख हमारे चारों आंख में डाल कर देखो, तुमको तुम्हारा मोहब्बत का फोटो नजर आएगा, तुम हमारा प्यार में तड़पता है, हम अकड़ता है, तुम भड़कता है। ए बूढ़े, मुंह संभाल के बात कर। मुंह संभाल के बात नहीं कर सकता, वो दांत बीच में आता है इसलिए। अगर ज्यादा बदतमीजी की तो सारा फर्नीचर निकाल के हाथ में रख दूंगी, दाढ़ी भी निकाल के हाथ में रख दूंगी। तुम काय को निकालेगा दाढ़ी, हमको निकाल के तुमको हाथ में देता है, ये देखो ये लो, तुम ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हेलो मैरी। छोटू उस्ताद, रियली मैरी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करू छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुमा के भालो बाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नयो लबड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करू छू, बंगाली में कहते हैं
आमी तुमाके भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं रे तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तेनु प्यार करना तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो पंची फ्लाइंग भौरा बगियन में गाइंग हम तुम पे इतना गाइंग जितना दी में पानी लाइंग आकाश में पंची फ्लाइंग भौरा बगियन में गाइंग अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तनु प्यार करना तेरे जियो नयो लबड़ी ओ साथी हो अभी पॉइजन खाता हूँ तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू गुजराती माँ बोलूं तने प्रेम करूं छो 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 मर जाना मैं तनु प्यार करना तेरे जियो नहीं लवड़ी ओ साथी हो अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू बंगाली में कहते हैं हमें तो आते भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं झाड़ू वाले कौन जी झाड़ू वाला ये टाइम ने हमारा किस्मत पे झाड़ू फेर दिया तो क्या हम झाड़ू वाला बन गया माफ करना भाई साहब आपकी सूरत एक जान पहचान वाले से मिलती जुलती है
ये सूरत क्या जी आदमी भी मिलता। अरे अरे तू जगन है? हाँ बा। अरे मगर तू झाड़ू क्यों मार रहा है? ये गवर्नमेंट ने हमारे घर में ऐसा झाड़ू मारा कि हम झाड़ू वाला बन गया जे। अरे लेकिन वो गाड़ी, वो कपड़ा, वो बाल सब किधर गया? ये माल आया था तो बाल भी आया था, माल गया तो बाल भी गया। आज हमारा हालत खराब जे। अरे पर हुआ क्या? ये गवर्नमेंट हमारे घर में चाप मारा, मेरा कपड़ा, जेवर, बर्तन सब ले लिया, बंगला भी ले लिया। वो पुराना घर था ना, वो तो हम पहले से बेच दिया ना, आजकल गटर के पाइप में रहता। ये एक दिन में अमीर से गरीब बना देना, ये अच्छा काम नहीं गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट क्या करता है आपको कुछ मालूम नहीं जी। ये म्युनिसिपैलिटी का स्ट्राइक हुआ तो मेरे को 5 रुपए डेली पे झाड़ू मारने का काम मिला। ये 2 दिन से हम कुछ नहीं खाया जी, मेरा 12 बच्चा लोग भी कुछ नहीं खाया, औरत भी कुछ नहीं खाया। ठहर जा। याद है एक दिन 90 रुपए टिप दिया था तूने मुझे? याद। ये ले, संभाल के रखा था तेरे लिए इसी दिन के। और कान पकड़ तोबा कर इस काम से। हम तोबा करता जी, तुम आदमी नहीं देवता हमारे लिए। ये 90 रुपीज नहीं, 90,000 मेरे लिए। अरे 90 रुपए के केले खरीद लेना, फिर उल्टे सीधे काम शुरू करेगा। छोटू उस्ताद खोल दे बोनट अपना, कर ले मुंह मीठा। अरे ये है क्या भाई? अब मेरा प्राप्य में पास हो गया है। ये रही ओदी डिग्री, ते ओदी फोटो, क्यों प्राओ? ये की डिग्री तो मेरे भाई ने भी पास की है। और तू भी फिर मुंह मीठा करा दे, लगा दे अपने भरा दी फोटो भी फ्रेम च। अरे मैं तो इतनी बड़ी फोटो लगाऊंगा सारी बस्ती में धूम मच जाएगी। ये बड़ा फ्रेम लगाऊंगा। चले मेरे भाई की डिग्री जो है मेरी जिंदगी की डिग्री है। ये मिलती कहाँ है? तेरे पास इसका नंबर है? हाँ तो है, तो यूनिवर्सिटी पहुँच जा, वहाँ पर अपना नंबर दिखा दे, सब मिल जाएगा। क्या नंबर बताया आपने? 3782। 3782 फर्स्ट क्लास। रमेश गुप्ता? नहीं नहीं, मेरे भाई का नाम राजा है, राजेश श्रीवास्तव। नहीं नहीं, ये नंबर तो रमेश गुप्ता का है। ठहरो मैं नाम से देखता हूँ। क्या नाम बताया अपने भाई का? राजेश श्रीवास्तव। राजेश श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव। आई एम सॉरी, राजेश श्रीवास्तव तो फेल है। क्या बोलता है? यस मिस्टर, यस फेल। तुम मेरा गिरेबान क्यों पकड़ते हो? अपने भाई का गिरेबान पकड़ो। न दिखाओ मैं परिंदा नहीं, मेरी खुशियाँ मेरे सपने हैं जिंदा यहीं, मुझे पिंजरा न दिखाओ मैं परिंदा नहीं, मुझे कहने दे तुझको मेरी कसम। जाम है कोई जहर तो नहीं, इसे पी के गुनगुनाऊं तू खफा तो नहीं, ये जाम तो फिर जाम है कोई जहर तो नहीं, इसे पी के गुनगुनाऊं तू खफा तो नहीं, मुझे जीने दे तुझको मेरी कसम।
ये क्या बदतमीजी है? खबरदार कोई आगे बढ़ा तो साला जान से मार डालूंगा। क्या बोला तुम? हैं? क्या बदतमीजी है? हैं? जलील कमीने, मेरी जिंदगी भर की मेहनत का ये बदला दिया तूने? क्या? क्या किया है मैंने? जो कहना है मुझसे जल्दी गई है, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल का वक्त तेरे लिए दिन रात एक करके बर्बाद कर दिया और तू मुझे आज कह रहा है कि मेरी बातें सुनने का वक्त नहीं है तुझे? अरे कमीने, तू सिर्फ अपने बीए के इम्तिहान में ही फेल नहीं हुआ, जिंदगी के हर इम्तिहान में फेल हो गया। ये देख। तो आपको पता चल गया? हाँ पता चल गया, लेकिन बहुत देर बाद पता चला। तुम्हें तो उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर जहां तू भिखारियों का खाना खाने जा रहा था वहीं छोड़कर चलाना चाहिए था मुझे, ताकि आज तू शराब और दौलत के नशे में धुत होने के बजाय एक लंगड़े भिखारी की तरह किसी सड़क के कोने पर भीख मांग रहा होता। मगर आपकी नाराजगी की वजह समझ में नहीं आ रही। आप चाहते थे कि मैं दौलत कमा लूं, कमा ली, पोजीशन पा लूं, पा ली। उस कागज के टुकड़े, उस डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? ठीक कह रहा है। उस डिग्री की कीमत तू क्या समझेगा? तूने तो कागजी नोटों के लिए अपने आप को बेच दिया। उन कागजी नोटों के लिए लोग इस दुनिया में अपना ईमान तक बेच देते हैं। हाँ, जैसे तूने बेच दिया ईमान, खुददारी, इज्जत सब बेचकर आज दौलत का गुलाम बन गया तू। जाने दो ना भैया, ये सब बुजदिलों की बातें हैं। दौलत कमाने के लिए हिम्मत चाहिए जो मुझ में थी, आप में नहीं थी। आप जैसे लोग गरीब पैदा होते हैं, मजदूर पैदा होते हैं और मजदूर ही मर जाते हैं। अगर आप जाहिल रहे, गरीब रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर हिम्मत है तो जाइए, दौलत कमाइए। मर जाओ तुम, मर जाओ। मैं भी अपना घर फरीदा साला दो कोड़े का छोकरा हमें बातें सुनाता है। अरे हमने उसे चलना सिखाया, आदमी बनाया, बड़ी ऊंची सोसाइटी में हमारे खून पसीने की कमाई से पहुंचा और मुझे कहता है कि मैं बुजदिल हूं, मुझ में पैसे कमाने की हिम्मत नहीं है। साला मैं उसे पैसे कमा के दिखाता हूं। चाचा, जितने पैसे वो 10 साल में कमाएगा ना, मैं 1 साल में 10 गुना उससे पैसे कमा के दिखाऊंगा। भैया फरीदा, जाने दे, आज मत रो। चल बसंती, ये दुनिया देख। बसंती जिद मत कर, मैं बहुत गुस्से में होशियार हो जा। देख स्टार्ट हो जा, नहीं तो मैं साली स्टार्ट नहीं होती है। अरे चलो उठो यहां से, चलो जाओ। अरे पास्कल डर मत, आज मैं तेरा अड्डा बंद करने नहीं दारू पीने आया। चल दारू ला। क्या
अरे दारू लाओ। ए पास्कल, मैं बोलता हूं ग्लास ला। चल दारू डाल। ये ग्लास में दारू डाल। ये ग्लास भी भर पास्कल। मेरी तो जाए यहां से, चल। काय को जाऊं? जब तू पी सकता है तो मैं नहीं पी सकती क्या? अरे तूने तो कभी दारू देखा पर नहीं, और मैंने तो अपने हाथ से बना बना कर लोगों को पिलाया है। आज मैं भी पीऊंगी। मेरा ग्लास पीने देना। अरे जब तू मेरे को नहीं पीने दे सकता है तो तू खुद क्या पिएगा? अरे पीने की बात तो दूर रही, तू इसको हाथ नहीं लगा सकता। एक बार तू इस गिलास को और इस बाटली को हाथ लगा के दिखा, बाद में मैं तेरे को नहीं रोकेगा। तेरे को जितना दारू मांगता है मैं खुद ला कर देगा। चल लगा इस बाटली को हाथ, लगा इस गिलास को हाथ, पी। पहले को भाग निकले, मुझे उन्हें माल के साथ पकड़ना है। पीट ले मेरे को जल्दी रॉबर्ट जल्दी। और तेज चलाओ। हाँ सर। मुझे सबको फोन कर रहा है। चुप चुप पुलिस, मैं अभी आता हूं। लगता है सब लोग भाग गए। वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी, तुम लोग उन पेटियों में देखो क्या क्या है, जल्दी करो। काय साहब, काय धोबी पछाड़ मार ली। शट अप। जरा गट्टरी में लादा चोर मुसाफिर भाग जरा। हेलो बंसी साहब, बंसी साहब अपना माल पकड़ा गया है। क्या क्या हुआ? और अनवर उसका क्या हुआ? ट्रक के नीचे आकर उसकी टांग बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। मैं उसे झाड़ी में छुपाकर आपको फोन करने आया हूँ। सुना, इससे पहले कि वो मर जाए उसे उठाकर जान लिया हो। जिंदा माल कहाँ जाना है, 7 तारीख और 10 तारीख को अगला माल कहाँ आने वाले, सब कुछ उसे मालूम है। जाओ जल्दी। क्या हुआ, गाड़ी पकड़ी है क्या? अब क्या होगा? मैं पूछता हूँ अब क्या होगा? मैं वर्मा साहब को क्या जवाब दूंगा? शट अप। अगर इतनी बुजदिल थे तो इस काम में हाथ क्यों डाला? क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, आपकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में स्मगलिंग का माल पकड़ा गया है। इम्पॉसिबल, मैं भी आया। अरे कमबख्त, देख लिया बुरे कामों का अंजाम। गरीब बाप से झूठ बोलने, उसे धोखा देने का अंजाम। रहीम चाचा, इसे फौरन ही हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा, हालत बहुत नाजुक है। आप फौरन ही कहीं से एम्बुलेंस बुलवा लीजिए। एम्बुलेंस? अरे आप लोग कौन है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अनवर, कहाँ ले जा रहे हो मेरे अनवर को? अनवर,
दो मुझे। तुम्हारे मजार की पाक मिट्टी की कसम, तुम्हारा खून बेकार नहीं जाने दूंगा। उन जालिमों के खून से सारी जमीन रंग दूंगा चाचा, सारी जमीन रंग दूंगा। अनवर कहाँ है? अबे मैं पूछ रहा हूं अनवर कहाँ है? पता नहीं तो तेरी खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ डालूंगा। बोल। रेती बंदर बंगला नंबर 5। चलो ये मुझे माफ कर देना। तू घबरा नहीं अंदर, सब ठीक हो जाएगा। फरीदा, फरीदा देख मैं अनवर को ले आया। मार डालो इस छोटू उस्ताद को, मत छोड़ो इसे। तुम मेरे भाई को मारोगे? अरे वाह, क्या भाई का हमदर्द है। खाता हमारा ऐश हमारे पैसों से करता है और हमदर्दी भाई से जताता है। तुम्हारे पैसों से नहीं, अपने ससुर के पैसों से ऐश करता हूँ। और तुम मेरे ससुर की गाड़ियों में स्मगलिंग करते हो। झूठ, अपने ससुर की गाड़ियों में स्मगलिंग तुम खुद करते हो। मैं? हाँ हाँ, ये सब कुछ तुम ही करते हो। सारा कारोबार तुम्हारे नाम से होता है। हर जगह सिर्फ तुम्हारा नाम है, मेरा नाम नहीं। ससुर से कहो या पुलिस से कहो, पुलिस सिर्फ तुम्हें ले जाएगी। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ट्रांसपोर्ट कंपनी को बनाया। ये कंपनी सारे हिंदुस्तान अपनी इज्जत और वकार के लिए मशहूर है, लेकिन आज उस इज्जत को तुमने दास्तार कर दिया। वर्मा सेठ का सिर सारी दुनिया के सामने झुका दिया। राजा, मैंने तुम्हें दामाद की तरह नहीं, औलाद की तरह चाहा, लेकिन मैं अकलमंद था, ये बात भूल गया था। जो आदमी अपने भाई को ठुकरा सकता है, उस भाई को जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, तुम उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को बेचकर मेरे घर जमाई बन गए। और एक दिन ज्यादा दौलत पाने के लिए तुम मुझे भी ठोकर मार सकते हो। मेरी बेटी को ठुकरा कर किसी और के हो सकते हो। निकल जाओ यहां से। जी, मैं गेट आउट। आई से गेट आउट।
यस बंसी साहब, वर्मा सेठ को सब कुछ पता चल गया है। ओ माय गॉड, तुम फिर यहां चले आओ। अच्छा ओके। राजा सेठ, इस शहर के रईस, दौलतमंद, अमीर, यहां गरीबों की बस्ती में क्या लेने आए हैं? संभाल कर सेठ, संभाल कर। यह किसी नाचने वाली का हाथ नहीं है, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का पांव है। भैया माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, अपने इस गुनहगार भाई को माफी दे दो। माफी दे दो? अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं, और गरीबी से मरने वाले लोग किसी को माफी दिया नहीं करते, बल्कि आप जैसे अमीरों से माफी मांगा करते हैं। बस करो भैया, बस, प्लीज बस करो। बस इतनी जल्दी? बस पहले तो मनमानी की, फिर पांव पकड़े, थोड़े से आंसू बहाए और कह दिया बस। किसी के घर में आग लगा दी, आंसुओं से छिड़काव किया और समझ लिया कि बुझ गई आग। क्यों? जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी वजह से मेरे पिता समान रहीम चाचा मर गए, मेरी बहन फरीदा यतीम हो गई, अनवर मर गया। तू खूनी है राजा, मेरी सच्चाई, मेरी खुददारी का कातिल है तू। चला जा यहां से, निकल जा। गिर चुका है मेरी नजरों से तू, और मैं गिरी हुई चीजें उठा नहीं करता, समझा? मारो भैया, मारो, मार मार कर मेरे टुकड़े कर दो। मैं एहसान फरामोश हूं भैया, बेईमान हूं मैं। ये लंगड़ा राजा जिसे आपने पैरों पर चलना सिखाया, उसे पैरों पर खड़ा किया, और पैर मिलते सबसे पहले उसने क्या किया? अपने भाई के प्यार को ठोकर मार दी। ये पैर काट दो भैया, काट दो इस पैर को। मैं क्यों काटूं? अरे पहले तो तू सिर्फ पैर का लंगड़ा था, अब तेरी आत्मा भी लंगड़ी हो चुकी है। इस पैर को काटने से कुछ नहीं होगा राजा, कुछ नहीं होगा। काटना यह है तो मन के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, उसके कदम काट। दिल की गहराइयों में जो लालच बस गई है, उसके पैरों को काट कर निकाल कर बाहर फेंक दे। बोल, काट सकेगा? छोटू भैया, तुम्हारा फोन आया है। आओ छोटू, तारो फोन। हाँ हेलो छोटू। हाँ कौन बोल रहा है? मैं वर्मा बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई का ससुर। हाँ बोलो सेठ, क्या बात है? तुम अभी इसी वक्त मेरे बंगले पे आ सकते हो? क्यों? राजा के बारे में और अपने बेटे की जिंदगी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे तुम मुझसे क्यों पूछते हो? तुम जानो और राजा जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझसे कुछ मत पूछो। देखो छोटू, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मुझ पर बहुत एहसान होगा तुम्हारा, प्लीज आ जाओ। अजीब बातें, आता हूं। सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया सेठ जी? किसने किया ये सब? बोलो सेठ जी, किसने? खून, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खून, खून। ऐश करो, जश्न मनाओ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा खतरा हट गया है। लोग एक तीर से दो शिकार करते हैं, हमने एक तीर से तीन शिकार किए हैं। लेट अस सेलिब्रेट। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। आप मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने नहीं किया।
मुझे तो सेठ जी का फोन आया था। चलिए जैसे मैं यहाँ आया अंदर की सेठ जी की लाश जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन करके कहिए। मानिए ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया है। भैया रुक जाइए प्लीज, मैं कहता हूँ रुक जाइए, छोड़ो भैया, भैया ये मेरे भाई को किसने मार डाला? मच्छू बेटे ये सब क्या हो गया? उस कमीने के हाथ क्यों नहीं टूट गए जिसने मेरे भाई के साथ ये किया? भैया भैया योर ऑनर, सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से और शहर के सारे वकीलों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आज आपके जज बनने का, मेरा मतलब है आपके इस ओहदे का आज पहला दिन है। थैंक यू। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुजरिम का एक छोटा भाई है राजा, इसने इसे पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख लेने के बाद राजा ने मिस्टर वर्मा की लड़की मंजू से शादी कर ली और उनका घर जमाई हो गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक 20 जनवरी की रात को राजा और मिस्टर वर्मा में झड़प हुई और मिस्टर वर्मा ने राजा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मुजरिम अपने भाई की तरफदारी करने के लिए मिस्टर वर्मा के घर पहुंचा। मिस्टर वर्मा तो गुस्से में थे, मुजरिम भी गुस्से में भरा हुआ था। दोनों में जोरदार झड़प हुई और नतीजा यह हुआ कि मुजरिम ने मिस्टर वर्मा का खून कर दिया। वकील साहब, दिन में 10 मरतबा आप लोग गीता को हाथ लगाते हो, दुनिया को कसमें खिलवाते हो कि सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और खुद झूठ बोलते हो। और मुल्जिम को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, उससे पहले बोलकर वो अदालत की कार्रवाई में दखल अंदाजी ना करे। योर ऑनर, अब मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मेरे पहले गवाह हैं मिस्टर रामनाथ। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रामनाथ, yes? आप सेठ वर्मा को कब से जानते थे? 20 साल से। वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं मैनेजर हूं। क्या यह सच है कि कुछ दिनों से राजा और वर्मा साहब के दरमियान कुछ खिंचाव पैदा हो रहा था? यस, जी हाँ। राजा की लापरवाहियां, फिजूल खर्चियां वर्मा साहब के बिजनेस पर असरअंदाज हो रही थी। दिन ब दिन वर्मा साहब के कंपनी का नाम खराब हो रहा था। फिर 20 जनवरी के रात दोनों में काफी गर्मा गर्मी हुई और सेठ जी ने राजा को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। पॉइंट नोट किया जाए, घर जमाई को जब घर से निकाला जाता है तो घर तो छिनता ही है, साथ साथ दौलत भी छिन जाती है। फिर राजा घर से चला गया। मैं सेठ जी को बहुत समझाया, मैं चाहता था कि राजा सेठ जी से माफी मांग ले। उस शाम राजा को मैंने हर जगह तलाश किया, आखिर पता चला कि राजा बस्ती में अपने बड़े भाई के यहाँ चला गया है। बस्ती में एक राशन की दुकान है, वहां मैंने फोन करके राजा को बुलवाया, मगर राजा के बजाय उसका ये बड़ा भाई फोन पर आया। इसने मुझसे कहा कि मैं आता हूं, अब सारा मामला वर्मा साहब से मैं खुद निपट लूंगा। झूठ बताइए। मुल्जिम को आखिरी वार्निंग दी जाती है वो बीच में ना बोले। और फिर मुजरिम ने जैसा कहा था वैसा कर दिया। मिस्टर रामनाथ, यू कैन गो। थैंक यू सर। योर ऑनर, अब मैं इस कटहरे में मुजरिम के छोटे भाई मिस्टर राजा को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर राजा, 20 जनवरी की रात आप अपने भाई के यहां गए थे? जी हाँ।
किस लिए? मैं पूछता हूं किस लिए गए थे आप? बहुत दिनों से अपने भाई से मिला नहीं था मैं। मिस्टर राजा, आप जरा जोर से बोलने की तकलीफ करेंगे? जी, बहुत दिनों से अपने भाई से मिला नहीं था मैं। मगर 20 जनवरी ही की रात को आपको अपने भाई से मिलने की जरूरत क्यों पेश आई? जी वो इसलिए कि वो इसलिए योर ऑनर कि इन्हें अपना फ्यूचर डार्क नजर आने लगा। अपने गरीब भाई का घर छोड़ के ये उस अमीर आदमी के घर गए और उस अमीर आदमी ने इन्हें ठोकर मार दी। इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इनकी दुनिया वीरान हो गई और इन्होंने इस भाई को मिस्टर वर्मा के खिलाफ भड़काया। इनका यह भाई जो बंबई के टैक्सी ड्राइवरों में मशहूर है कि बात कम करता है और हाथ ज्यादा चलाता है, मिस्टर वर्मा के घर पहुंचा। मिस्टर वर्मा ने जुमलों से हमला किया और जवाब में इसने छुरे से हमला किया और मिस्टर वर्मा का खून कर दिया। नहीं ऑनर, ये झूठ है, गलत है। मेरे भाई के सर इल्जाम है, मेरा भाई खून नहीं कर सकता। योर ऑनर, गवाहों के बयान से साफ जाहिर है कि ये खूनी है। इसने वर्मा पे कातिलाना हमला करके वर्मा का कत्ल किया है। झूठ है, झूठ है साहब, ये झूठ बोल रहा है। मौत मिलनी चाहिए। वो तो ये झूठ बोल रहा है। झूठ क्या है, सच क्या है, अभी पता चल जाएगा। योर ऑनर, मैं मुजरिम से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत। तुम्हारा नाम? छोटू उस्ताद। मैं तुमसे तुम्हारा असली नाम पूछ रहा हूं। अरे यही अपन का असली नाम है। झूठ बोलता है, सारी जिंदगी झूठ बोलता आया ये। सीआईडी ब्रांच ने इसकी पस्ती से, जिस कॉलेज में उसका भाई पढ़ता था उस कॉलेज से, जिस गांव से ये भाग कर आया था उस गांव से ये पता चलाया है कि इसका असली नाम छोटू उस्ताद नहीं, गोविंद है। गोविंद श्रीवास्तव है। योर ऑनर, इसके बाप का नाम रमेश श्रीवास्तव है और इसके भाई का नाम राजा नहीं, राजेश श्रीवास्तव है। अदालत बर्खास्त की जाती है। इस साल में अपने बड़े भाई की याद कभी नहीं आई, कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के बगैर किस तरह मर मर के जी रहा है। देखो, उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं, जिसका खतावार वो नहीं। मैं जिंदगी से थक गया हूं मेरा भाई, बस एक ही तमन्ना पे जिए जा रहा था कि मैं अपने भाइयों को, जिनकी याद में मैं 20 बरस से घुट रहा हूं, एक बार सीने से लगा लूं। उसके बदले में मुझे फिर मौत भी मिल जाए तो कोई परवाह नहीं। और आज तकदीर को रहम आया भी और मुलाकात करवाई भी तो कहां करवाए। छोटे के दामन पर कल के खून की छींटे लगाकर उसे मुजरिम के कठेरे में खड़ा कर दिया और बड़े को उसी की जिंदगी के परवाने पर मौत की मोहर लगाने के लिए
इंसाफ की कुर्सी पर बिठा दिया। नहीं बेटे, रो मत। आज तो तेरे बड़े भाई का इम्तिहान है, सही इम्तिहान। मेरा भी है और उसका भी है। अगर वो सच्चा है, उसका कानून सच्चा है, उसका इंसाफ सच्चा है, तो तेरा ये भाई तुझे फांसी के तख्ते से बचा कर ले आएगा। जज कहां से आ गया? योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं, इसलिए अदालत से मैं ये दरखास्त करूंगा कि वो अपना फैसला सुना दें। इतनी जल्दी भी क्या है वकील साहब, अभी हमारी बारी तो बाकी है। देरी के लिए माफी चाहता हूं योर ऑनर, मैं छोटू उस्ताद यानी गोविंद की तरफ से वकालत कर रहा हूं। ये रहा मेरा वकालतनामा। प्रोसीड मिस्टर श्रीवास्तव। योर ऑनर, मेरा सबसे पहला गवाह है मैनेजर रामनाथ। मिस्टर रामनाथन। यस सर। 20 जनवरी की रात जब वर्मा साहब ने राजा को घर से निकाल दिया था, हाँ, तो आपका बयान है कि आपने उसे बहुत सारी जगहों पर तलाश किया था। जी हाँ। कहाँ कहाँ तलाश किया था? होटलों में, बार्स में, क्लब्स, बहुत जगह। और इन सारी जगहों पर आपको राजा नहीं मिला? नहीं मिला। फिर आपको राजा मिला कहाँ? राजा के बड़े भाई के बस्ती में एक राशन की दुकान है, मैंने वहां फोन किया था। यानी फोन करने से पहले आपको पता चल चुका था कि राजा अपने भाई से मिलने बस्ती गया है? जी हाँ। आप उसी बस्ती में रहते हैं? जी नहीं, मैं तो नेपियन से रोड पर रहता हूं। फिर उस दुकान का टेलीफोन नंबर आपके पास कहां से आया? जी मुझे वर्मा साहब ने दिया था। खून के पहले या खून के बाद? वो फोन नंबर तो कहीं मैंने पहले दिया था वर्मा साहब ने मुझे। मैनेजर साहब, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आप खुद उस बस्ती में गए थे, दुकान वाले से टेलीफोन नंबर लिया था और फिर किसी पब्लिक टेलीफोन से आपने गोविंद से बात की थी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। वो बैठा है सामने जिससे आपने टेलीफोन नंबर लिया था, वहां। हाँ, पहचाना? बुलाओ उसे यहां, बुलाओ। नहीं नहीं, हाँ, मैंने नंबर लिया था उनसे। याद आया? अभी याद आया। क्यों किया था आपने टेलीफोन? इसलिए कि राजा को मुझे वर्मा साहब से मिलाना था। हाँ, जब आप बस्ती में गए ही थे तो खुद राजा से क्यों नहीं मिले? टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? बोलिए क्या? योर ऑनर, इसके पीछे गहरी चाल थी। मिस्टर रामनाथन के बस्ती में फोन करने से पहले ही वर्मा साहब का कत्ल हो चुका था। कातिल ने फोन करके राजा को वहां बुलाना चाहा और उस कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहा, मगर इत्तेफाक से राजा की जगह उसका भाई गोविंद वहां पहुंच गया और कत्ल के इल्जाम में फंस गया। रामनाथन, यू कैन गो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। अब ये बताइए, 20 जनवरी की रात को आपको कैसे पता चला कि आपके भाई साहब का खून हो चुका है? बड़ा अजीब मजाक कर रहे हैं वकील साहब, जब सारी दुनिया को पता चल गया तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? आखिर मेरा अपना भाई अपना खून था। मिस्टर बंसी,
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक खून होने के बाद 4 घंटे तक पुलिस ने यह खबर किसी को नहीं की सिवाय मंजू के, और आप आधे ही घंटे में वहां पहुंच गए। ये खबर आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई? मुझे फोन आया था। किसका? घर के नौकर का। मिस्टर बंसी, टेलीफोन एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक खून होने के बाद वर्मा साहब के घर उन 4 घंटों के दौरान ना किसी का फोन आया, ना वहां से फोन किया गया। फिर आप वहां कैसे गए और क्यों गए? जैसा कि मैं पहले भी आपसे, इसका जवाब मेरे पास है। ये वो तस्वीरें हैं जो उस रात वर्मा साहब की लाश की ली गई थी। लिस्ट का तमाम सामान मौजूद है, सिर्फ एक चीज गायब है, वो चमकती हुई चीज। इस घड़ी की तस्वीर का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है यार आना, बहुत गहरा ताल्लुक है। उस तस्वीर में जो घड़ी है वो घड़ी ये है। यार आना, उस घड़ी वाली तस्वीर में महीना, दिन और वक्त साफ नजर आते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक खून 20 जनवरी की रात 11:30 बजे हुआ था, और उस घड़ी में भी ठीक 11:30 ही बजे। योर ऑनर, गौर किया जाए, कत्ल ठीक 11:30 बजे हुआ था और घड़ी में भी ठीक 11:30 बजे थे। क्या मेरे फाजिल दोस्त अदालत को यह बताना चाहते हैं कि पुलिस कत्ल के वक्त वहां मौजूद थी और बजाय कातिलों को पकड़ने के तस्वीरें खींच रही थी? ऑर्डर ऑर्डर। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ योर ऑनर, पुलिस वहां ठीक 12:10 को पहुंची थी, यानी ये तस्वीरें करीबन 12:15 बजे ली गई होंगी, लेकिन उस घड़ी में उस वक्त भी 11:30 ही बजे थे। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि वो घड़ी जमीन पर गिरते ही रुक गई होगी। योर ऑनर, वकील साहब की बदकिस्मती से मेरी घड़ी तो चल रही है। अब चल रही है, लेकिन 21 जनवरी की 11:00 बजे तक नहीं चल रही थी, जब आपने फाउंटेन के ईस्टर्न वॉच कंपनी में जाकर इसको ठीक करवाया था। ये रही उसकी रिपेयरिंग की रसीद, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो आपके पास होगी। योर ऑनर, मिस्टर बंसी ने पूरा प्लान करके अपने बड़े भाई का खून किया, गोविंद को उस खून में फंसाया और इत्मीनान से अपने घर चले गए, लेकिन कानून के पहले सफे पे लिखा है मुजरिम कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। जब ये घर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि छीना झपटी में इनकी घड़ी गुम हो गई है। ये घड़ी लेने के लिए फिर वर्मा साहब के वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस को वहां देखा तो भैया ये मेरे भाई को किसने बाद आना? मंजू बेटे, ये सब क्या हो गया? उस कबीले के हाथ क्यों नहीं टूट गए जिसने मेरे भाई के साथ ये किया? भैया भैया, अब हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? भैया भैया, एक दम वो कभी ना मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तब तक सबूत तस्वीर की शक्ल में पुलिस के रिकॉर्ड पे आ चुका था। योर ऑनर, मैनेजर रामनाथन की झूठी गवाही, राशन की दुकान पे फोन करके राजा को वर्मा साहब के घर पे बुलाने की कोशिश, खबर न मिलने पर भी सिर्फ 30 मिनट में मौकाए वारदात पर इनका पहुंच जाना, कत्ल के वक्त इनकी घड़ी का वहां होना और उसी घड़ी का वहां से गायब हो जाना, इन सारी बातों से जाहिर होता है योर ऑनर कि मिस्टर वर्मा का खून मिस्टर बंसी ही किया है। हाँ, मैं ही कातिल हूँ, मैंने ही वर्मा साहब का खून किया था और आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरी, खबरदार कोई आगे बढ़े तो हट जाओ। अब क्या चाहिए? इसमें किसी की जान भी?
निकाल। तेरी जात का स्मगलर मारो, मेरे भाई पर गोली चलाया, मेरे राजा की जिंदगी बर्बाद करने वाले। मर जा साले, ले चलो इनको पुलिस स्टेशन, चलो। अपन का काम हो गया इंस्पेक्टर। चल बेटा घर चल, तू चला गया, घर से सारी खुशियां चली गई, मुझे माफ कर। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? भैया, राजा। भैया। चलो भाई। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती ना बोले अपने प्रेम करूंगा, बंगाली में कहते हैं हमें तुम्हारे भालू बाशी, और पंजाबी